इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 24। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 24। फिर हारून की संतान के दल ये थे। हारून के पुत्र तो नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतमार थे, परंतु नादाब और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए, इसलिए याजक का काम एलियाजर और इतमार करते थे। और दाऊद ने एलियाजर के वंश के सादोक और इतमार के वंश के अहामेलेक की सहायता से उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। और एलियाजर के वंश के मुख्य पुरुष इतमार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे, और ये यो बांटे गए, अर्थात एलियाजर के वंश के पितरों के घरानों के 16 और इतमार के वंश के पितरों के घरानों के 8 मुख्य पुरुष थे। तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजर और इतमार दोनों के वंशों में पवित्र स्थान के हाकिम और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त हुए थे। और नतनेल के पुत्र शमायाह ने, जो लेवीय था, उनके नाम राजा और हाकिमों और सादोक याजक और एब्यातार के पुत्र अहिमलेख और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने लिखे, अर्थात पितरों का एक घराना तो एलियाजर के वंश में से और एक इतमार के वंश में से लिया गया। पहली चिट्ठी तो यहोयारीब के और दूसरी यदायाह, तीसरी हारिम के, चौथी सोरिम के, पांचवी मलकियाह के, छठवीं मियामिन के, सातवीं हक्कोस के, आठवीं अब्बियाह के, नौवीं येशु के, दसवीं शकन्याह के, ग्यारहवीं एल्याशीब के, बारहवीं याकिम के, तेरहवीं हुप्पा के, चौदहवीं एसेबाब के, पंद्रहवीं बिलगा के, सोलहवीं इम्मेर के, सत्रहवीं हेजिर के, अठारहवीं हप्पितसेस के, उन्नीसवीं पत्थयाह के, बीसवीं यहेजकेल के, इक्कीसवीं यकीन के, बाईसवीं गमूल के, तेईसवीं दलायाह के और चौबीसवीं माजह के नाम पर निकली। उनकी सेवकाई के लिए उनका यही नियम ठहराया गया कि वे अपने उस नियम के अनुसार जो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनके मूल पुरुष हारून ने चलाया था, यहोवा के भवन में जाया करें। बचे हुए लेवियों में से अमराम के वंश में से शुबायल, शुबायल के वंश में से यहदयाह, बचा रहब्याह, सोरब्याह के वंश में से इशियाह मुख्य था, इसहारियों में से शलोमोत और शलोमोत के वंश में से यहत, और हेब्रोन के वंश में से मुख्य तो यरियाह, दूसरा अमरियाह, तीसरा यहजियल और चौथा यकमाम, उज्जियल के वंश में से मीका और मीका के वंश में से शामिर, मीका का भाई इशियाह, इशियाह के वंश में से जकरियाह, मरारी के पुत्र महली और मूशी और यजियाह का पुत्र बीनो था, मरारी के पुत्र याजियाह से बीनो और शोहम, जक्कू और इब्री थे, महली से एलियाजर जिसके कोई पुत्र न था, कीश से कीश के वंश में यरहमेल और मूशी के पुत्र महली, एदेर और यरीमोत, अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार ये ही लेवीय संतान के थे। इन्होंने भी अपने भाई हारून की संतान की नाई दाऊद राजा और सादोक और अहिमलेख और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने चिट्ठियां डाली, अर्थात मुख्य पुरुष के पितरों का घराना उनके छोटे भाई के पितरों के घराने के बराबर ठहरा।